हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट अपडेट्स के बारे में और कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू वाले, पिछले 2-3 दिन के जो वीडियोस हमने बनाए हैं, जो जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन पे ट्रेड कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत पैसे भी लोगों ने बनाए हैं, उसका भी फोटो हम लोगों को भेजा है, तो काफ़ी खुशी हो रही है सोच के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड योर ट्रस्ट कि लोग बिलीव करते हैं जो चीज़ हम बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हमेशा गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और जब ट्रेड करें तो भगवान समझ के मत ट्रेड करें कि किसी ने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। हमेशा स्टॉप लॉस रखें क्योंकि मार्केट कभी कभी अजीब बिहेव कर सकता है, मार्केट में चीज़ें बदल सकती हैं, कोई इवेंट आ सकता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, इस चैनल में जो भी हम बात करने वाले हैं वो मार्केट में कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में। कल एक्सपायरी है तो थोड़ी सी कॉशन रखना है। जो लोग ऑप्शन में बहुत ज़्यादा नेकेड पोजिशन लेते हैं, जो लोग बाय कर लेते हैं कॉल या पुट इस उम्मीद में कि कल क्रैश हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, और 90% ऑफ द टाइम्स उनके पैसे जीरो होते हैं। उसका रीजन सिंपल है कि हमेशा मार्केट में इवेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कई बार मार्केट को थोड़ा आराम भी करने दीजिए। मार्केट अभी गिरा है, गिरने के बाद हो सकता है कल यहां पे थोड़ा आराम करे। आज भी इसने नेट नेट कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, बीच में बंद हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कई बार थोड़ा सा आराम भी करता है। तो अभी वही सिचुएशन है, सुबह ऊपर से नीचे, फिर आप यहाँ रिकवरी देखेंगे और क्लोजिंग हमारी फ्लैट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, तो बहुत सारे सेक्टर में वीकनेस थी। टेलीकॉम में आज बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो अभी पैसे का उगाही को लेकर, जो रेवेन्यू जो भी चार्जेस थे AGR के, उसको उससे रिलेटेड वीकनेस ऑलरेडी थी। और डेफिनेटली जियो में जिस तरीके के, रिलायंस में जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उससे भी सेंटिमेंटली शायद थोड़ा नेगेटिव होता हो, लेकिन मोस्टली ये जो पैसे देने हैं AGR के, उसको लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमें देखना है कि कौन सा सेक्टर है जो स्ट्रांग बिहेव कर रहा था। जो भी सेक्टर की काफ़ी पिटाई हुई है वो थोड़ा सा स्ट्रांग था। आज रिलायंस में न्यूज़ होने के बाद भी बहुत पॉजिटिविटी नहीं होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अगर आप ये देखेंगे कि रिलायंस में स्टेक सेल हुआ रिटेल का इतना बड़ा, फिर भी रिलायंस नहीं ऊपर बंद हुआ 5%, 7%, सिर्फ 1%, 1.5% बंद हो रहा है। तो ये दिखाता है कि वीकनेस अभी भी काफ़ी है और इस वीकनेस को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर रिलायंस में स्ट्रेंथ नहीं है तो डेफिनेटली वीकनेस है। गुड न्यूज़ पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। रिलायंस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है तो हो सकता है यहाँ से लोग पैसा बुक करें, प्रॉफिट बुक करें, और ये IPO के कारण जो लिक्विडिटी है उसके कारण भी थोड़ा सा मार्केट टाइट है और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इशूज़ हैं और उसके कारण भी मार्केट गिर रहा है। तो ये एक रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। अब देख लेते हैं गेनर्स लूजर्स। तो गेनर्स में आप देख सकते हैं वही पिटे हुए स्टॉक जिन्होंने आज थोड़ा सा रिलीफ दिया है। एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं HUL में ठीक ठाक ये मूवमेंट दे रहा है, 2000 पे इसने सपोर्ट लिया है। एक्सिस बैंक ने भी आज सपोर्ट लिया है 405 के आसपास, तो ये भी एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रांग है, 530 से होके आज 400 पे आ गया है, तो बहुत बहादुरी का काम नहीं किया है। 25% जाने के बाद 2% की रैली कुछ नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको समझना है। सेम चीज़ यहाँ भी देखेंगे, टाइटन में भी आज थोड़ा बॉटम से बाउंस आया। इन्फोसिस अभी भी स्ट्रांग है, ये शहनशाह है इस मार्केट का। जिस दिन इसका दिन आएगा तो इसको भी कौवा बिरयानी वाला बना देंगे लोग, क्योंकि डेफिनेटली इन्फोसिस क्या, ICICI बैंक एक टाइम पर इतना स्ट्रांग स्टॉक था, 540 गया था, और वो सिर्फ एक स्टॉक था जो पूरे के पूरे बैंक निफ्टी और निफ्टी को उठा के रखा था। तो सबका दिन आता है, रिलायंस का भी दिन था, अभी बस धीरे धीरे फेड हो रहा है, इन्फोसिस का भी दिन आएगा। तो ये मत सोचिए कि आप 1100 पे लेके बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, मेरे हिसाब से ये निकलने का अच्छा एरिया है, निकल जाइए आराम से। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी 10-20% स्टॉक गिरेगा वहां पे लीजिए, तो ये पॉसिबिलिटी है। HDFC बैंक भी आज बॉटम फॉर्मेशन किया है, तो ये भी एक अच्छा एरिया था जहां पे लोगों ने बाय किया है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि ट्रंप के इलेक्शन तक, उससे पहले एक और बड़ा डिप आने की उम्मीद है, वहाँ तक आप बाय मत करिए। उसके जस्ट थोड़ा पहले अगर डिप आ जाता है तब हम बाय करेंगे, और डेफिनेटली इस चैनल पे लगे रहिए तो आपको जो भी अपडेट मैं देता हूँ उससे आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं और अपने नए डिसीजन ले सकते हैं। अब लूजर्स में देख लेते हैं, तो भारतीय एयरटेल, भारतीय इन्फ्राटेल बहुत पिटाई है इनमें। टाटा स्टील में सेलिंग है, मेटल में अब सेलिंग थोड़ी सी आ सकती है। इंडसइंड बैंक मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा बॉटम बना रहा है, तो आज काफ़ी गिरा लेकिन इसने समहाउ स्टेबल अपने आप को किया है, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें सेलिंग नहीं करनी है। अभी 10-20 पॉइंट्स का डिप भी आए तो वहाँ पे बाइंग करने का सोचिए, ना कि सेल करने का। डेफिनेटली अगर 5%, 7% की रैली आती है वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आपको सेल नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स्ड बैग है, लेकिन ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादा स्टॉक गिर रहे हैं और जो उठने वाले स्टॉक्स हैं वो कम हैं। तो ये एक आज का थीम था कि स्टॉक्स अभी भी
काफ़ी गिर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब और ना गिर जाए, और नए लोग जो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है मार्केट में, वो लोग डरते हैं जब भी मार्केट गिरने लगता है। तो आप देखेंगे वही अच्छे स्टॉक्स बिक रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमज़ोर स्टॉक में पिटाई हो रही है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। और ये दिखाता है कि रिटेलर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, FIIs में भी थोड़ा टेंशन है, वो भी सेल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू हुआ है डॉलर का, डॉलर फिर से ऊपर जाने लगा है, डॉलर ऊपर जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट, जो हमारे यहाँ लिक्विडिटी आ रही थी, मुफ्त का पैसा आ रहा था, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बाहर जाएगा, और वो एक बड़ा टेंशन हो सकता है हमारे मार्केट के लिए। ऊपर से ये जो IPO है, ये लिक्विडिटी सोख रहा है, तो डबल इम्पैक्ट हो रहा है, लोकल में पैसा नहीं है, और IPO से, और सॉरी FII का जो पैसा है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये डबल इम्पैक्ट हमको एक और करेक्शन की तरफ ले जा सकता है, जो डीपर करेक्शन भी हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ी वीकनेस आई। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट। तो कंट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं भारती एयरटेल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, TCS भारती ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है डाउनसाइड के लिए, लेकिन बड़े स्टॉकों में रैली आई थी, जैसे आप देख सकते हैं HDFC, RIL, इन्फोसिस, ये टॉप 3-4 स्टॉक्स में आते हैं, तो इन्होंने ऊपर की तरफ काफ़ी संभाला है, उसके बाद भी हम माइनस में बंद हुए। तो आपको ये देखना चाहिए यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि मेजर ओवरऑल स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रैली आई है, और अभी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही पिट रहे थे जिनमें थोड़ा सा रिलीफ आया है। मेरे हिसाब से ये रिलीफ है, ना कि कोई बहुत बड़ी रैली है। रिलायंस का 6,000-7,000 करोड़ की डील के बाद 12 पॉइंट ऊपर बंद होना, 12 पॉइंट ऊपर बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये काफ़ी अंडर परफॉर्म करने की तरफ जा रहा है रिलायंस अगले एक महीने में, तो इससे थोड़ी सी आप संभल के रहिएगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं ज़्यादा स्टॉक गिर रहे हैं, कम स्टॉक उठ रहे हैं, ये एक आपको थीम समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट्स आप देखेंगे ऊपर थे जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था, तो हमारे मार्केट में जो रिकवरी आई थी उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि US मार्केट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी और ऊपर की तरफ जा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1245 के बाद से रिकवरी आती गई, और सॉरी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये रैली थी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 12-1 बजे तक में हमने करीब करीब अच्छे खासे लेवल्स बना लिए थे फ्यूचर्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1530, तो ऑलमोस्ट 330 के आसपास हमने टॉप बनाया हुआ है, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि US फ्यूचर में आप देख सकते हैं जब हाई था तो हम क्लोज हुए हैं, नीचे से अच्छा खासा रिकवरी दिया है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 प्लस पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट की रिकवरी दी है नीचे से, तो काफ़ी बड़ी रिकवरी थी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और टेक सेक्टर में फिर से सेलिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स में हम देख सकते हैं, तो ये टेक सेक्टर है US का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के हम अपर एरिया में हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए ऊपर की तरफ तो फिर से हम इसके नीचे आएंगे, और फिर से हम इसका नीचे वाला लेवल टेस्ट कर सकते हैं जो कि है 10,500। तो मतलब यहाँ से 600-700 पॉइंट और गिर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम एक ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और इस ट्रेंड में अभी कितना नीचे तक हम जा सकते हैं, मैंने पहले भी बात की है कि पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन इमीडिएट पॉसिबिलिटी 9,700 की लग रही है, जो चुनाव के पहले मतलब अगले 10-15 दिन में होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से हम यहाँ ऊपर गए हैं, यहाँ से नीचे जाने का जो ट्रेंड होगा वो किस तरीके से बन सकता है, तो अभी हम हो सकता है आज कल शायद ऊपर बंद हो, फिर ऊपर वाले लेवल से ऊपर जाके नीचे क्लोज हो, और ये एक साइन होगा कि हो सकता है वीकनेस फिर से आ रही है, हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो नैसडैक का ये चार्ट है, अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स में। तो डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड था बहुत दिनों से चल रहा था, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और आप देखेंगे जब ब्रेक हो रहा था उसके बाद ये तड़फड़ा रहा था, बहुत फड़फड़ा रहा था यहाँ पे, उसके बाद नीचे आ गया है। अब यहाँ पे क्या ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड सिंपल मेरे हिसाब से ये बन रहा है कि जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे थे और यहाँ पे हमने हेड बनाया, और ये जो है शोल्डर्स बनाने की तैयारी है। तो पहला जो टारगेट आएगा, जो पहला सपोर्ट एरिया आएगा, वो आएगा 26,000 के आसपास। करंटली हम हैं 27,300 पे, तो मेरे हिसाब से ये जो डिप आ रहा है, इस डिप के बाद एक बाउंस के बाद एक और फॉल आना चाहिए। तो ये जो डिप है ऑलमोस्ट हो चुका था, इसके बाद हम बाउंस देख रहे हैं, और ये बाउंस एक दो दिन में खत्म होने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ से 1300 पॉइंट का और डिप आ जाना चाहिए डाउ जोन्स में। ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, बहुत सारे न्यूज़ हैं, दोबारा से सेकेंड वेव की बातें सबको याद आने लगी हैं, और US इलेक्शन तो है ही, तो ये सभी रीजंस हो सकते हैं जो मार्केट को एक सेकेंड डिप दिला सकते हैं। वो डिप कितनी गहरी होगी वो देखने वाली बात होगी, हम नहीं कह सकते कितनी बड़ी डिप होगी, लेकिन लेवल्स जो हैं अप्रॉक्सीमेट 26,000 जो हैं सबसे नियरेस्ट लेवल हैं सपोर्ट के, जो अब यहाँ से गिरने पे हमें मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम वीडियो लेकर आपके पास बार बार आते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। तो निफ्टी की बात अगर मैं करूँ आपको, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर मैं बात करना चाहूँगा। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्यों बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब बड़े बड़े फॉल आ रहे हैं, छोटे मोटे खेल नहीं खेलने अभी, ठीक है, अभी बड़े वाले खेल खेलने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,210 पे अगर कोई बाउंस मिले वो एरिया अब सेलिंग के लिए होगा। डाउन साइड में आज हमने सपोर्ट लिया 11,020-30, जो कि आपका यहाँ पे इस कैंडल का जो सॉलिड पार्ट है उसका लोअर एरिया था, लेकिन मेरे हिसाब से सपोर्ट यहाँ पे ही है। जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इस एरिया में है। इस कैंडल का हम हाई भी ले सकते हैं 10,730 से लेके 10,650, इस एरिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे हिसाब से हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड शायद ना करें। हो सकता है इस हफ्ते की हमने जो बॉटम है बना ली हो शायद, लेकिन अगर किसी भी केस में हम 11,000 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर हमको यहीं पे स्टॉप मिलेगा 10,700 और 650 के आसपास, क्योंकि ओवरऑल आप देख सकते हैं कैंडल के साइज़ बड़े हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमने देखे थे पहले। और आपने देखा था कि यहाँ तक तो फॉल थोड़ा शराफत के साथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो आप देखते हैं दो कैंडल के अंदर आपने 2000 पॉइंट का फॉल देखा था। दो कैंडल, आई थिंक 2000 से ज़्यादा था, 10,770 से लेके 7,800, ये सिर्फ दो कैंडल है। आप देख सकते हो यहाँ से, ये सिर्फ दो कैंडल में, मतलब दो हफ्ते में आप देख सकते हैं मार्केट कितना गिरा था। अप्रॉक्सीमेटली गिरा था 3000 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली 3000 पॉइंट निफ्टी गिरा था। तो हम जिस एरिया में हैं यहाँ पे, बस हम किसी तरह संभाल के रख रहे हैं। अगर हम यहीं पे इस करेक्शन को ख़त्म करते हैं तो अच्छी बात है इलेक्शन के पहले, लेकिन अगर हम इसके नीचे जाने जैसी हालत होती है और सिचुएशन बिगड़ती है ग्लोबली, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेवल्स नीचे काफ़ी भी आ सकते हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम पर जब ये वाला फॉल हो सकता है तो दूसरा फॉल, ठीक ठाक वाला फॉल क्यों नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं ना सेकेंड वेव। सेकेंड वेव की जब बातें लोग करने लगे हैं और लॉकडाउन की बात करने लगे हैं दोबारा, तो डेफिनेटली एक और डिप क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अनलॉकडाउन का ये पूरा का पूरा रैली था। अनलॉकडाउन और जो भी नए लोग थे उन्होंने पैसे पूरे झोंक दिए हैं, उन्होंने इस एरिया पे एंटर किया है 11,000 से लेके 11,700। अब शायद उनको अगले दो साल पैसे निकालने को मिले ना मिले, अब जो नहीं निकाल पाएंगे वो भी आई होप पछताएंगे और मेरी बातें उनको याद आएंगी। और जो लोग बोलते हैं कि मेरा मौका निकल गया, आई होप उन लोगों ने यहाँ पे खूब भर भर के स्टॉक लिए होंगे, ताकि पे आके उन्हें उस मौके की तलाश की फिर से है ना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़े कि यार गलती कर दी मैंने। क्योंकि इंसान क्या करता है ना, अपनी गलती से ही बनता है और अपनी ही अच्छाई से ऊपर जाता है और अपनी ही गलती से नीचे आता है, तो उसे वो एहसास हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट की, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अभी के लिए 11,210-220 के लेवल है, वहाँ तक बाउंस मिले तो सेल, और अगर आप 11,020 पे मिले तो वहाँ बाय भी कर सकते हैं। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों साइड आप लगा के रखिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आप ट्रेंड देखेंगे थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा था, इसीलिए अब देखिए क्या हालत हो रही है। अब जिस एरिया पे हम रुके हैं 20,900, ये एक सपोर्ट एरिया है, अच्छा सपोर्ट एरिया है, लेकिन क्या यहीं पे रुक सकता है या थोड़े नीचे जा सकता है? थोड़ा नीचे भी जा सकता है, करीब करीब 1000 पॉइंट और गिर सकता है, क्योंकि ये एरिया पे ही सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस बन रहा था, अब यहीं पे कहीं पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहा है, आज भी बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है, निफ्टी रेड में है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप मिलता है तो निफ्टी को लॉन्ग करना थोड़ा रिस्की दिखता है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप वहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है बेटर है और जल्दी बाउंस देता है। तो ये अभी ट्रेंड होना चाहिए। अगर आपको अपसाइड के लिए प्ले करना है तो बैंक निफ्टी, अगर डाउनसाइड के लिए प्ले करना है तो निफ्टी। दूसरी चीज़ है 28th को मोरेटोरियम का तो हो चुका है, लेकिन मोरेटोरियम का अभी फाइनल डिसीजन आने वाला है कि क्या करना है, इंटरेस्ट हटाना है, लोगों को और टाइम देना है। तो अगर वो इशू थोड़ा भी निगेटिव हुआ तो मुझे लगता है वो फाइनल डिप देगा इस मार्केट में, कहाँ तक देगा हमें नहीं पता, लेकिन वो डिप ऐसा है कि उसकी न्यूज़ ऑलरेडी हमने बहुत फैक्टर इन कर ली है, काफ़ी पिटाई हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो डिप आएगी तो बड़ी डिप भी होगी, लेकिन वो नीचे पे हम क्लोज नहीं होंगे, हम रिकवर कर जाएंगे। तो वो दिन होना चाहिए बॉटम फॉर्मेशन का मेरे हिसाब से 28th का, और उसके बाद हम इसी नीचे वाले एरिया में ही रहेंगे। मैंने कह रहा बहुत बड़ी रैली आएगी ट्रंप के इलेक्शन के पहले, ग्लोबल मार्केट्स अगर रैली करेंगे तभी हम रैली करेंगे, अदरवाइज हम नीचे लेवल पे ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आपको कुछ करना है तो 20
1900 के आसपास कोई डिप मिले वहाँ बाय करिए, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर एक्सपेक्ट करिए कि एक बाउंस मिल जाए, और किसी भी केस में 21,700-21,800 के लेवल मिलते हैं तो वो एक अच्छे सेलिंग एरिया होंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है बैंक निफ्टी में। अब इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं, तो इंडसइंड बैंक मेरे हिसाब से ठीक ठाक सपोर्ट दे रहा है, अभी इसको सेल नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से सपोर्ट की तरह काम करेगा। आज भी हमने लोअर एरिया में बंद नहीं हुए हैं, लोअर एरिया था 523 और मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी, लोअर एरिया था अप्रॉक्सीमेटली 520, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बन सकता है। वो बाउंस कहाँ तक हो सकता है आपका, ऑलमोस्ट उम्मीद कर सकते हैं ये 540-550 तक का एक बाउंस मिल सकता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा बाउंस मिला तो 560 तक का बाउंस मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं इंडसइंड बैंक को सेल नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा। एक बाउंस मिल जाए तो हो सकता है इस एरिया में 550-560 में मैं सेल करने की कोशिश करूँ। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है इंडसइंड बैंक में, ओवरऑल बाय द डिप जैसा लग रहा है। अगर आप बाय द डिप करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, एटलीस्ट 10 रुपीज़ का लगाइएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक हम लेंगे मारुति। तो मारुति में अगर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मारुति में जो फॉल आया है, हम कहां पे बात कर रहे थे, इस फॉल की 6700 पे बात कर रहे थे, 6700 से 6300 आ गया। जब यहां पे हम बात कर रहे थे तो लोग सोच रहे थे क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमने इस लेवल की भी बात की थी अगर आपको याद है, 6800, ये टूटा तो फिर इसके बाद 63 के पहले नहीं रुकेगा। अब 63 पे रुकेगा क्या, ये हम नहीं कह सकते कि रुकेगा नहीं रुकेगा, क्योंकि जब रैली आई थी तो यहां पे भी कहीं सपोर्ट नहीं लग रहा, ये सीधे जा रहा है, सपोर्ट यहीं पे है 6200 से लेके 6000, और 6200 वाला जो है ये अपर सपोर्ट है, नीचे की तरफ सपोर्ट 6000 पे ही आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ टिक गए तो हो सकता है एक रैली आ जाए 6700 तक की, लेकिन वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है मारुति में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस स्टॉक के बारे में। ये दो स्टॉक थे मेरे आज के लिए, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लेकर अगले वीडियो में आऊँगा, ताकि आपको फ्री में ट्रेडिंग करने के कुछ बेस्ट स्टॉक मिल पाएँ और स्ट्रैटेजी मिल पाएँ जिससे आप पैसे बना सकें। और अगर आप पैसे बना रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा काम करिए, डोनेट भी करिए, अपनी फैमिली पे खर्च करिए, मार्केट में ही कैपिटल बढ़ा बढ़ा के बड़ा ट्रेड मत लीजिए। ये बहुत बड़ा लेसन है जो लोग नहीं सीखते जब तक वो लुटा नहीं देते पैसे। अगर आपके पास कपड़े हैं तो भी एक कपड़े खरीद लीजिए किसी और के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए। यही सब चीज़ करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। तो आई होप आपको इससे थोड़ा सीख मिलेगी कि यार अगर हम पैसा बढ़ाते जा रहे हैं और कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं, रिस्क भी बढ़ रहा है और हम पैसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, मतलब हमारी कोई कमाई नहीं हो रही है मार्केट से। तो जब तक आप कमा नहीं रहे हो तो क्या मतलब करने का। तो डेफिनेटली पे आउट करिए, थोड़ा पैसा निकालिए और अपनी फैमिली पर खर्च करिए, वो खुश रहेंगे तो आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।